सनातन धर्म में गंगा सप्तमी का पर्व बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक प्रत्येक वर्ष बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी का पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष यह पर्व 14 मई को मनाया जाएगा। गंगा सप्तमी का पर्व सनातन धर्म में महत्वपूर्ण पर्वों में से एक होता है। गंगा सप्तमी के दिन माता गंगा को समर्पित होता है। इस दिन माँ गंगा की पूजा आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि गंगा सप्तमी के दिन माँ गंगा का पुनर्जन्म हुआ था। ज्योतिष गणना के मुताबिक इस दिन कुछ खास उपाय करने से जीवन में आ रही तमाम तरह की परेशानियों में सफलता मिलती है। तो चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं। दरअसल अयोध्या के ज्योतिष पंडित कल्कीराम बताते हैं कि बैसाख माह की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी का पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष गंगा सप्तमी का पर्व 14 मई को मनाया जाएगा और इस दिन सप्तमी तिथि की शुरुआत 2:50 से शुरू होकर 15 मई सुबह 4:19 पर समाप्त होगी। इतना ही नहीं, गंगा सप्तमी के दिन किए गए कुछ अशुभ उपाय से जीवन में चल रही तमाम प्रकार की दिक्कतों से छुटकारा भी मिलता है।